नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंडियन टिप्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज का हमारा वीडियो है कि एडेनियम प्लांट को गर्मियों के लिए, समर के लिए किस तरह से तैयार करें ताकि आपके एडेनियम के प्लांट का कॉडेक्स, ये जो होता है हिस्सा, तना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसको हम किस तरह से और ज़्यादा चौड़ा और बेहतरीन शेप में ला सकें, ये इसलिए किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा वही एडेनियम का प्लांट है जिसको आप काफ़ी समय से देख रहे हैं, जिसे मैंने सीड से ग्रो किया था और आज आप देख रहे हैं ये कितना शानदार ग्रो हो चुका है एडेनियम हमारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपने एडेनियम के प्लांट को इस तरह से हैंग यानी कि लटका के क्यों रखा है। क्या होता है, जब ठंडी का सीज़न निकल जाता है यानी विंटर का सीज़न जब निकल जाता है, उसके बाद में क्या होता है, फ्लावरिंग का टाइम आ जाता है एडेनियम का, ठीक है। तो जब लास्ट विंटर सीज़न हो आपका, उस समय आपका काम करिए, आपके एडेनियम के प्लांट को पॉट से निकाल लीजिए और पॉट से निकालने के बाद में इसको, इसकी रूट्स को अच्छे से वाटर से धो लीजिए ताकि एक्सेस मिट्टी या सॉइल जिसे कहते हैं, वह सॉइल इसकी रूट से हट जाए। उससे क्या होता है, आपके एडेनियम के प्लांट में अगर रूट रॉट होने की प्रॉब्लम है या चांसेस हैं या हो सकता है, आपको लग रहा है, तो एक तो आप उसकी चेकिंग कर सकते हैं कि कहीं से आपकी रूट्स ख़राब तो नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे एडेनियम के प्लांट में कहीं से भी इसकी रूट ख़राब नहीं है, तो इससे एक तो ये चेक हो जाता है। दूसरा ये होता है कि जब आपके एडेनियम के प्लांट को पॉट से निकाल दें तो कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, ये ऐसे कि कहीं कहीं से इसको डैमेज हो जाता है यानी कि स्क्रैच लगे जाते हैं, छिल जाता है। और अगर आप उसी समय इसको रिपॉट कर देंगे आपके एडेनियम के प्लांट को, तो क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पर कट लग गया है हल्का फुल्का, यहाँ से रूट वॉट होना प्रारंभ हो जाता है। तो हैंग करने का एक ये भी बेनिफिट होता है आपके एडेनियम के प्लांट को कि अगर आप हैंग कर रहे हैं तो 10-15 दिन के लिए हैंग कर सकते हैं, या चाहे तो एक सप्ताह के लिए 8-10 दिन के लिए हैंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इससे क्या होगा, एक तो आपके एडेनियम के प्लांट की रूट्स ख़राब नहीं हो पाएंगी यानी कि सड़ने से बच जाएंगी, क्योंकि वो सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, हवा लगती रहेगी। फिर उसके बाद जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो आपके एडेनियम के प्लांट को किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये तो रही रूट्स की बात। अब दूसरी बात ये कि हैंग करने से बेनिफिट क्या होता है, आपके एडेनियम के प्लांट को हैंग करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा आपको कि आपका एक कॉडेक्स बड़ा हो जाएगा यानी कि चौड़ा हो जाएगा भविष्य में, साथ ही साथ इसमें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे, ठीक है। तीसरी बात ये रहेगी आपके एडेनियम के प्लांट को हैंग करने से क्या रहेगी कि आपके एडेनियम के प्लांट की जो ग्रोथ रेट रहता है यानी कि जड़ों का बढ़ने का टाइम, वो मध्य हो जाएगा, यानी कि जड़ें ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी लेकिन कॉडेक्स तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि आपको तो बोनसाई बनाना है आपके प्लांट को, है ना। तो उसके लिए आपको कॉडेक्स की आवश्यकता है और फ्लावर्स की आवश्यकता है, ना कि जड़ों की यानी कि रूट्स की, ठीक है। तो ये रही कुछ बातें आपके एडेनियम के प्लांट को हैंग करने की। अब मैं आपको सीजन बता देता हूँ, जब विंटर एंड होने वाला होता है और समर स्टार्ट होने वाला होता है, लगभग उस समय आपको आपके एडेनियम के प्लांट को हैंग करना है। और आपके टेम्परेचर के हिसाब से आप हैंग कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप अगर 8-10 दिन हैंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा टाइम तक हैंग करने से क्या होगा, आपकी जो लीव्स हैं ये लीव्स येलो हो जाएंगी, फिर ब्लैक होकर गिर जाएंगी और फ्लावर्स भी गिर जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एडेनियम के प्लांट को सिर्फ आपको केयर करना है, रूट से को ख़राब होने से बचाना है, कॉडेक्स बड़ा करना है, तो आप 10 दिन तक ही हैंग करिए, इससे ज़्यादा हैंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे दोबारा आपके पॉट में एडेनियम को, तो उस समय आपको क्या काम करना है, 2-3 दिन तक आपको इसकी केयर करने की आवश्यकता है। 2-3 दिन आप इसको एक शेडेड एरिया में रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए, इनडायरेक्ट सनलाइट आए, और वाटरिंग भी कुछ कम मात्रा में करिए, ठीक है। फिर 3-4 दिन के बाद में इसको आप बढ़िया फुल सनलाइट में धीरे धीरे लाने का आदि बनाएं, और फिर आप इसको अच्छे से वाटरिंग भी कर सकते हैं। और जब आप इसको सॉइल में मिक्स करेंगे तो NPK, DAP और काउडंग यानी गाय के गोबर की खाद को ज़रूर मिलाएं, इससे आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। चलिए ठीक है भाइयों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को इंडियन टिप्स को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसकी अपडेट मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊँगा जब मैं इसको पॉट करूँगा, ठीक है। जय श्री राम।